हार्मोनिक पैटर्न्स एक प्रकार के चार पैटर्न होते हैं जो मार्केट में हमेशा ही दिखाई देते हैं, और उन पैटर्न की मदद से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ मिनटों में मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। तो इसका ही मतलब आप लोग एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि कहाँ पे बाई करना है और कहाँ पे सेल करना है। यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है, अगर हार्मोनिक पैटर्न्स इतना ही एक्यूरेट है तो क्यों सब लोग इसे ट्रेड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हार्मोनिक पैटर्न्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और उन्हें चार्ट पे स्पॉट करना बहुत ही हार्ड होता है। हाँ, उतना ही हार्ड होता है जितना आप लोगों को इस वीडियो के लाइक बटन को हिट करना, क्योंकि आप लोग लाइक के बटन को हिट नहीं करते। एनीवेज, तो इसके लिए ट्रेडर्स को लाइव मार्केट में हार्मोनिक पैटर्न्स को स्पॉट करना और उसे ट्रेड करना आसान नहीं है। बट आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपके लिए एक ऐसा इंडिकेटर खोज के निकाला है जो कि आपकी ज़िंदगी और ट्रेडिंग बिल्कुल आसान बना देगा। आज के बाद ये वाला इंडिकेटर आपके चार्ट का एक अटूट अंग बन जाएगा और आपके लिए आपके चार्ट्स पे ऑटोमेटिकली सभी के सभी हार्मोनिक चार्ट पैटर्न्स प्लॉट कर देगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पार्ट इसका मिस मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि कौन से चार्ट पैटर्न्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और उसकी एंट्री एग्जिट और उसका कन्फर्मेशन और इन चार्ट पैटर्न्स को किस प्रकार सही तरीके से हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ये सभी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और इस इंडिकेटर को ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करते हैं। इस इंडिकेटर को आप लोग सभी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं और सभी स्टॉक इंडेक्स पे यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्राइमरीली ये जो स्ट्रेटजी होने वाली है वो हम लोग इंट्राडे के लिए देखने वाले हैं आप, मगर इसे पोजिशनल के लिए भी यूज कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने जा रहा हूँ। सेकेंड स्टेप, आप लोगों को इंडिकेटर्स टैब में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है हार्मोनिक पैटर्न्स। उसके बाद रिजल्ट्स में आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो हार्मोनिक पैटर्न्स बाय रिस इस वाले इंडिकेटर को आपको अपने चार्ट पे प्लॉट कर देना है। अब देखते हैं कि ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ये इंडिकेटर आपके लिए आपके प्राइस एक्शन पे हार्मोनिक पैटर्न्स आपके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च करता है। इंडिकेटर के द्वारा एक बार पैटर्न फाइंड आउट होने के बाद ये इंडिकेटर आपके लिए उस पैटर्न की एक्यूरेसी या प्रोबेबिलिटी वो भी आपके लिए यहाँ पे प्लॉट कर देता है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे पता चले कि कौन सा पैटर्न वीक है और कौन सा पैटर्न स्ट्रांग है। इस इंडिकेटर के खोजे गए पैटर्न के सिग्नल बार पे अगर अपना माउस आप होवर करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये अपना टोटल स्कोर यहाँ पे बताई देगा। इस टोटल स्कोर में से जितना भी आप 100% के पास होगे उतना ही वो जो पैटर्न है, वो जो सिग्नल है, वो उतना ही स्ट्रांग यहाँ पे माना जा सकता है। मगर इन जनरल आपके लिए 90% के ऊपर वाले जो पैटर्न्स है उन्हें आपको आपके ट्रेडिंग के लिए ले लेना है, और जो आपको चार्ट्स पे जो रेड लाइंस और ग्रीन लाइंस दिख रही है वो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे आपके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस यहाँ पे सजेस्ट कर रही है। तो आप इन लाइंस को स्टॉप लॉसेस के लिए और अपने टारगेट्स के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा एक रेडीमेड यहाँ पे आपको फुल प्रूफ इंडिकेटर आपको यहाँ इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो भी आप हमारा ये वाला प्रयास आप लोगों को कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर देना। चार्ट पैटर्न के साथ और ये रेड लाइन ग्रीन लाइन टारगेट और स्टॉप लॉसेस के साथ ये इंडिकेटर आपके लिए एक टेबल फॉर्मेट में भी डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करता है। उसके लिए आपको इस इंडिकेटर के सेटिंग में जाना है और स्टाइल में जाके टेबल्स इसे अनेबल करना है।
जैसे ही आप उसे एनेबल करते हो तो आपको सामने एक टेबल फॉर्मेट में डाटा आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस इंडिकेटर ने ऑलरेडी प्लॉट की है। फर्स्ट कॉलम में जो भी पैटर्न्स ये इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट करता है उनके सभी के सिंबल्स आपको यहाँ पे दिए हुए। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न, ग्रैटली हार्मोनिक पैटर्न, शार्क हार्मोनिक पैटर्न, इस प्रकार के सभी जो पैटर्न्स है उनके नाम उनके सिंबल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर आप सेकेंड कॉलम में यहाँ पे देखोगे तो पर्टिकुलर वो हार्मोनिक पैटर्न कितनी बार इस चार्ट में फाइंड आउट हुआ है उसका नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पे बैट वाला देखोगे तो वो 7 times इस पे इस वाले चार्ट पे आपको दिखाई देगा। अगर आप बटरफ्लाई देखोगे तो आपको 20 मिला होगा इस चार्ट पे। इस प्रकार सभी के नंबर्स यहाँ पे दिए हुए कितनी बार फाइंड आउट हुआ है। उसके बाद वाला जो कॉलम है वो है ट्रेड्स का। इसका मतलब सिंपली कितनी बार उसमें आपको एंट्री मिली है इस इंडिकेटर के मदद से, वो उसका नंबर यहाँ पे प्लॉट किया गया है। उसके बाद वाले कॉलम में आपको यहाँ पे टारगेट सक्सेस मतलब फर्स्ट टारगेट कितनी बार अचीव हुआ है उस पैटर्न का, उसका रेशियो आपको यहाँ पे परसेंटेज टर्म में दिया हुआ है। फोर्थ वाले कॉलम में भी सेम टारगेट टू सक्सेस कितनी बार हुआ है उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इतनी सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर एक चार्ट में आपको दिखाई देगी। और जो सेकेंड लास्ट जो कॉलम है उसमें एवरेज रिटर्न परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो उस पर्टिकुलर हार्मोनिक वाले पैटर्न ने यहाँ पे कितना एवरेज रिटर्न आपको दिया है उसका परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और लास्ट वाला जो कॉलम है वहाँ पे आपको टोटल रिटर्न इन परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतना यूजफुल डाटा आपको यहाँ पे मिल रहा है तो बहुत ही आसान होगा आपको किसी भी स्टॉक्स पे आपका पैटर्न चूज करने के लिए, क्योंकि ये जो पैटर्न से हर एक स्टॉक के लिए अलग पैटर्न वर्क करेगा और उसमें मैक्सिमम एवरेज जो आपको परसेंटेज रिटर्न में दे रहा है उस सिंपली एक ही पैटर्न को आप बार बार उस पर्टिकुलर स्टॉक पे आप ट्रेड कर सकते हो। इंडेक्स में अलग हो सकता है, स्टॉक में हर एक स्टॉक में अलग अलग ये सब हो सकता है। तो आप यहाँ पे फिल्टर आउट आसानी से कर सकते हो। तो ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है और 5 का टाइम फ्रेम है। तो 5 के टाइम फ्रेम पे ये इंडिकेटर यहाँ पे आपको बता रहा है जो ग्रैटली, सॉरी गाइस यहाँ पे अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है उस पैटर्न के नाम का तो माफ करना, मगर ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है आप यहाँ पे टोटल रिटर्न्स यहाँ पे देखोगे तो 4% का रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। और इसका जो टारगेट वन जो सक्सेस का रेशियो है वो ऑलमोस्ट 60% का यहाँ पे टारगेट सक्सेस का रेशियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे बैट वाला अगर आप देखोगे तो उसका भी लगभग 70% का फर्स्ट टारगेट अचीव होने का चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट 2% के अराउंड उसका टोटल रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आप अपोलो हॉस्पिटल के लिए 5 के टाइम फ्रेम पे आप ऊपर वाले दो जो पैटर्न है उन्हीं पे फोकस कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम अगर चेंज होता है तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपके जो ये जो स्टैट्स है वो यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस टेबल फॉर्मेट को यहाँ पे हाइड करने जा रहा हूँ। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे और एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इस इंडिकेटर को ऐड करने के लिए वापिस से हम लोग इंडिकेटर टैब में जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे हाई वॉल्यूम सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन दिखेगा जो हाई वॉल्यूम कैंडल्स का है, आप उसे सिंपली यहाँ से ऐड कर देना है। अब आप यहाँ पे गुड टू गो हो आपके ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे इसे ट्रेड करने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहला जो रूल है जो कि आपका पैटर्न जो भी फाइंड आउट होगा, जो भी चार्ट पैटर्न आपके सामने आएगा तो उसका जो परसेंटेज ऑफ टोटल स्कोर है वो लगभग 90% के अबव होना चाहिए, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल आपको ये याद रखना है कि अगर आपका चार्ट पैटर्न बुलिश है तो वहाँ पे जो सिग्नल बार होगा वो हमेशा वहाँ पे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। एक आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपका चार्ट पैटर्न फॉर्म होगा जिस सिग्नल बार पे आपका चार्ट पैटर्न
जिस सिग्नल बार पे आपका चार्ट पैटर्न कंप्लीट होगा, उस सिग्नल बार के अगर नीचे ये वाला लेबल आपको जो दिख रहा है वो अगर नीचे है कैंडल के, तो आपका बुलिश चार्ट पैटर्न है। अगर वो वाला सेम लेबल अगर कैंडल के ऊपर के साइड में है तो वो आपका बेरिश वाला चार्ट पैटर्न है। तो सिंपल इसे आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेबल नीचे हुआ तो बुलिश, अगर लेबल ऊपर हुआ कैंडल के तो बेरिश। चलिए अब इसकी एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस देखते हैं किस प्रकार हम लोग यहाँ पे इसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे स्विच किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन नहीं है, फ्री वाला वर्जन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार रिप्ले का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जो आपको ये रेड लाइंस और ग्रीन लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रही है वो हमेशा रीपेंट होती रहती है, और जो लेटेस्ट पैटर्न है वहाँ पे वो प्लॉट होती है। एक बार पैटर्न फॉर्मेशन के बाद अगर उसका स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी आ गया, उसके बाद ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन जो है वो डिसअपेयर होती है और लेटेस्ट पैटर्न के पास प्लॉट होती है। इसलिए मुझे यहाँ पे बार रिप्ले का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो सिंपल यही रीजन है मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। मगर सेम टैक्टिक, सेम सभी कुछ आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो, डेली के लिए यूज करते हो, किसी भी टाइम फ्रेम के लिए आप सेम टैक्टिक्स यहाँ पे यूज कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो फिलहाल टाइम फ्रेम को इग्नोर करो और चार्ट्स पे ध्यान दो। तो इस वाले एग्जांपल में आपके चार्ट पे आपको बुलिश जो पैटर्न है वो यहाँ पे आपको मिला है। इसका अगर आप लोग फर्स्ट स्टेप देखोगे तो टोटल स्कोर जो है वो 94 के आसपास है, तो आप इसे ट्रेड करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। कि एंट्री यहाँ पे बनेगी जो सिग्नल बार है उस सिग्नल बार के हाई के ऊपर, या आप सिंपल उसका क्लोज प्राइस भी आप यहाँ पे ले सकते हो। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, फिलहाल मैं उसे स्विंग लो पकड़ रहा हूँ, या सिंपली आप इस रेड लाइन को भी यहाँ पे पकड़ सकते हो, मगर जो वो जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे स्विंग लो को इसका स्टॉप लॉस पकड़ के चल रहा हूँ। और जो आपका टारगेट्स है वो आपको एटलीस्ट 1:15 का टारगेट आपको यहाँ पे रखना है। आप इस ऊपर वाले टारगेट, जो दो टारगेट्स यहाँ पे ग्रीन लाइन दिखाई दे रहे हैं, उसे भी आप टारगेट कर सकते हो, मगर मैं सिंपली पहले इसे 1.5 के आसपास यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहां पे देख सकते हो क्लियरली आपका जो टारगेट है, इस प्रकार आपको यहां पे दिखाई देगा कि आपका टारगेट यहां पे आसानी से अचीव हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और एक इस बार हम लोग सेल का एग्जांपल लेते हैं और उसको देखते हैं कि किस प्रकार वो आपको उसे ट्रेड करना है। जो यहां पे मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है वो है सन फार्मा का, और सन फार्मा में यहां पे आप देख सकते हो कि आपको एक सेल सिग्नल मिला है, एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न आपको यहां पे फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कैंडल के ऊपर के साइड उसका लेबल है, इसके वजह से, और जो पैटर्न ड्रॉ हुआ है वो पूरा रेड में ड्रॉ हुआ है, इसके वजह से ये वाला जो पैटर्न है वो एक बेरिश पैटर्न है। यहाँ पे आपको इस चीज की जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट थिंग जो आपका नेक्स्ट रूल है, इस पैटर्न का जो टोटल स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 90 के ऊपर। इस पैटर्न का जो अभी का स्कोर है वो 94 point something है, और इस पैटर्न का नाम भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि बेरिश ग्रैटली। जो हमारा सेकंड रूल है, उस रूल में हमें चाहिए कि जो सिग्नल बार है वो हमेशा यहाँ पे, अगर बेरिश सिग्नल है तो हमें यहाँ पे रेड कैंडल चाहिए, अगर बुलिश सिग्नल है तो हमें यहाँ पे ग्रीन बार चाहिए। तो ये वाला बेरिश सिग्नल है, इसलिए हमें यहाँ पे रेड कैंडल भी मिल चुकी है, तो इसके वजह से हमारा जो पैटर्न है वो कन्फर्म हो जाता है, यहाँ पे एंट्री लेना कन्फर्म हो जाता है। तो सिंपली सिग्नल बार के क्लोजिंग का मैं यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ, और वहां से मैंने ऑलमोस्ट उसके स्विंग हाई के ऊपर, और उसका जो स्विंग हाई से भी एक क्लोजेस्ट जो
रेड लाइन मुझे दिखाई दे रहा है, उस रेड लाइन को मैं रेफरेंस करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, और वहां से जो है मेरा फर्स्ट टारगेट 1.5 आरआर वाला टारगेट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें ये पैटर्न किस तरह से बिहेव करता है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पे आपके इस पैटर्न में भी आपका जो टारगेट है वो अचीव हुआ है विदाउट एनी स्टॉप लॉस। तो इस प्रकार आप इस इंडिकेटर को यूज करके आप अपने हर एक स्टॉक को बैक टेस्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं, और इस स्ट्रेटेजी को आप आसानी से लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको लाइव मार्केट में डाटा लाइव मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग इंट्राडे के छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग इसे रन नहीं कर सकते ईओडी, तो आप लोग शायद इसे नेक्स्ट डे से इंट्राडे में ट्राई करेंगे, उसे बैक टेस्ट करेंगे या फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे। तो आप लोगों को ये इंडिकेटर कैसा लगा, ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी और ये हमारा प्रयास कैसा लगा, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। स्टॉक दरबार प्रीमियम ये हमारा एक पेड चैनल है स्टॉक दरबार के टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे आपको स्टॉक ऑप्शन बाइंग के कॉल्स, बैंक निफ्टी बाइंग के कॉल्स और निफ्टी बैंक के कॉल्स, उसी के साथ साथ ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज यानी वीकली आयरन फ्लाई कब अप्लाई करना है उसके सब एडजस्टमेंट के साथ, और आयरन कॉन्डोर ऑप्शन के स्प्रेड्स, इस जैसे स्प्रेड्स भी आपको यहाँ पे मिल सकते हो। आप यहाँ पे जुड़ सकते हो मेरे साथ ट्रेडिंग करने के लिए। सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टॉक दरबार प्रीमियम को ज्वाइन करने का, यहाँ पे मैं बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप हमें आपके पसंद का प्रीमियम कंटेंट डिमांड भी कर सकते हो, अगर अवेलेबल होगा तो आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। यहाँ पे मैं हर महीने एक ना एक प्रीमियम कंटेंट जरूर अपलोड करता हूँ। प्रीवियसली मैंने बहुत सारे लगभग 80 से ज़्यादा प्रीमियम कंटेंट यहाँ पे अब तक यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है। तो अगर आप भी एक छोटा सा अमाउंट देके यहाँ पे ज्वाइन होते हो तो आपको इन सभी जो प्रीमियम कंटेंट है उसका एक्सेस मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके डाउनलोड करने की प्रोसेस है, पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे लगभग 2400 के सब्सक्राइबर्स है वहाँ से आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज आप हमारे किसी भी यूट्यूब चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको हमारे प्रीमियम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ये वाली जो सिंपली लिंक है आपको इसे डायरेक्टली क्लिक करके या कॉपी करके किसी भी क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करोगे तो आप rigipay.com के पेज पे यहाँ पे आ जाओगे। वहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बाय फॉर वन मंथ का, वहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे और आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करोगे, उसके बाद ये रिगी जो प्लेटफॉर्म है वो आपको हमारे स्टॉक दरबार प्रीमियम के टेलीग्राम चैनल पे ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चैनल हमारा पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है। आप वहाँ पे एक महीने के लिए ज्वाइन हो जाओगे और एक महीने के बाद आप ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाओगे। सिमिलरली आप 3 मंथ और 1 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हो, 3 प्लान अभी तक अवेलेबल है। तो अगर आपको प्रीमियम कॉन्टेंट में इंटरेस्ट है या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा स्टॉक दरबार का प्रीमियम चैनल जरूर ज्वाइन करना। तो मिलता हो और एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।